स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अक्षरा को गलतफहमी हो चुकी है कि अभिमन्यु ने उसे और आरोही को माफ कर दिया है, लेकिन दरअसल अक्षु के मुंह से सारा सच सुनती है महिमा। अब महिमा इस सच का सही वक्त पर फायदा उठाते हुए नजर आएगी, लेकिन इन सबसे पहले आप देखेंगे अक्षरा और अभिमन्यु का संगीत। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों ही परिवार संगीत की तैयारियां करने वाले हैं, तो वही अक्षरा और अभी दोनों को ही ये कह दिया जाएगा कि वो एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसी वजह से अब कायरव भैया अक्षु को उसका फोन भी रिसीव नहीं करने देंगे। यहाँ अभिमन्यु बहुत बेचैन होगा कि किसी तरह से उसकी अक्षरा से बात हो जाए, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाएगी। तभी आप देखेंगे कि नील बात कर रहा होगा वीडियो कॉल पर, तो यहाँ गोयनका हाउस में सभी तैयारियां कर रहे होंगे और तब अभी अक्षु की एक झलक पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगा और यहाँ दोनों के बीच बातें होती नजर आने वाली है। वहीं आरोपी भी काफी परेशान है, उसे यकीन नहीं है कि अभी इतनी जल्दी किसी को माफ कर सकता है, वो भी बात जब उसकी माँ की हो। वाले को जहां हमें ये सब देखने के लिए मिलेगा, तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि दोनों ही परिवारों में अब इनके संगीत की तैयारियां चल रही है और इनके इस संगीत में चार चांद लगाने के लिए आ रही है फेमस सिंगर कुमार सानू। जैसे ही अक्षु ये बात सुनेगी कि वो उदयपुर आए हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और अक्षरा के संगीत में उसे अभिमन्यु सबसे बड़ा सरप्राइज देते हुए नजर आएगा जब वो इस संगीत में एंट्री लेगा, वो भी कुमार सानू के साथ। जी हाँ, जिसे देखकर अक्षरा बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली है। वो लाने वाले ये ट्रैक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि होगा खूब नाच गाना। लेकिन ऐसे में महिमा भी प्लानिंग कर रही है कि अब किस तरह से इनका ये सच सामने लाया जाए, तो क्या कुछ नया ड्रामा होता है इनकी शादी से पहले, ये जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।